दोस्तों आज आपका टॉपिक है फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम देख कहते हैं, ये आपके सामने फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम है। अब आपने बार ग्राफ पढ़ा था, आप ये कहेंगे भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, वो भी तो सेम है। सेम है बिल्कुल, एक बस मामूली सा छोटा सा एक पॉइंट का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। क्या डिफरेंस है, एक बार हम बार ग्राफ आपको दिखाते हैं कि बार ग्राफ क्या था। चलिए, ये आपका बार ग्राफ था आपके सामने, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद ये आपका है नेक्स्ट में हिस्टोग्राम, क्या डिफरेंस है सोचिए क्या डिफरेंस है। तो एक छोटा सा मैं बताती हूँ आपको, एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो है बार के बीच में गैप। अगर आप बार ग्राफ देखेंगे तो इनमें हर एक बार के बीच में गैप है और वो गैप हमेशा इक्वल है, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा बिल्कुल, डिटो ए टू जेड जो मैंने बार ग्राफ में बताया सेम यहाँ रहेगा हर एक चीज। लेकिन बस डिफरेंस क्या है, बार ग्राफ में बीच में गैप रहता है, हर बार के बीच में गैप रहता है, लेकिन जो हिस्टोग्राम है आपका इसमें बीच में गैप नहीं होता है, ये कॉन्टिन्यू चलता रहता है, ठीक है, कॉन्टिन्यू आपका चलता रहता है, बीच में कोई गैप नहीं होता है। जहाँ से पहला बार खत्म हुआ वहीं से ही दूसरा बार शुरू हो जाता है, तो बीच में कोई गैप नहीं होता है। तो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस हुआ, बार ग्राफ में आपके बार के बीच में गैप हुआ करते थे और हिस्टोग्राम में आपके बार के बीच में कोई गैप नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम को। द ग्राफ दैट यूजेस बार टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूमेरिकल डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू इंटरवल। सेम है डेफिनेशन आपका, इसमें हम जो भी हमें डाटा दिया हुआ होता है इंटरवल में उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम बार की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम जैसा बार ग्राफ में होता है। Since all the intervals are equal and continuous, important line है, इसीलिए मैंने इसको जो है हाईलाइट किया हुआ है। All intervals जो आपको क्लास इंटरवल्स मिलते हैं डाटा में वो हमेशा इक्वल होंगे। इक्वल तो बार ग्राफ में भी थे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और जुड़ गई, इक्वल एंड कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब है लगातार होंगे, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। आपके बार ग्राफ में जो डाटा मिलता था उसमें बीच में ब्रेक लगे हुए होते थे, तो ब्रेक की वजह से आपके बारों के बीच में गैप आ जाता था, क्योंकि बीच बीच में जहाँ जहाँ ब्रेक है वहाँ वहाँ आपके गैप आ जाता था। हिस्टोग्राम में आपको कोई गैप नहीं मिलेगा, कोई डाटा में बीच में ब्रेक नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। कैसे चलेगा इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे बार ग्राफ के आप टेबल में हमने इसका बार ग्राफ बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 15 का पहला क्लास इंटरवल है, दूसरा क्लास इंटरवल 15 से शुरू ना होकर उससे नेक्स्ट 16 से शुरू हुआ है, तो 15 से 16 के बीच में ब्रेक लग गया, टूट गया। अगर यहीं पर ही एक डाटा इस तरह से होता, मान लीजिए दूसरा डाटा आपको इस तरह से मिल सकता है, क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से आपका डाटा मिल सकता है। तो ये जो डाटा है ये आपका कॉन्टिन्यूस कहलाता है, यानी कि ये लगातार चल रहा है, बीच में कोई गैप नहीं है। इस डाटा में बीच बीच में गैप है तो इसको डिस्क्रीट डाटा कहते हैं, या डिसकॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट डाटा हम इसको कहेंगे, यानी कि असतत आंकड़े। कॉन्टिन्यूस को हम हिंदी में कहते हैं सतत आंकड़े, मतलब कॉन्टिन्यू चलते जा रहे हैं, इनमें गैप है, ब्रेक है बीच में, तो ग्राफ में भी बीच में गैप आ जाएगा। इनमें गैप नहीं है, कॉन्टिन्यूस है, तो ग्राफ भी कॉन्टिन्यूस रहेंगे हमेशा, बाकी सब इक्वल है। देख लेते, बाकी सब बिल्कुल डिटो है, कोई चेंज आपका इसमें नहीं आएगा। देखते हैं क्या है आपका, ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। यहाँ पर एक गलती इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर 0 से 200, 200 से 400, 400 से 500, सॉरी 400 से 600, 600 से 800 और 800 से 1000 है बीच में, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है क्लास इंटरवल, ठीक है। तो इनको आप जो है इग्नोर करेंगे, क्लास इंटरवल कोई भी हो सकता है, बस कंटिन्यूस डाटा आपको मिलेगा, इनको आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए। ए है आपका पहला बार, उसमें आपके जो फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग बना दी, फिर बी लिया उसके अकॉर्डिंग बना दी, बार के जो विड्थ है वो हमेशा इक्वल रहेगी, सेम रहेगा, बस बार के बीच का जो गैप है वो गायब हो जाएगा, बाकी सेम प्रॉपर्टी सारी रहेगी। लेंथ आपकी फ्रीक्वेंसी पर डाटा पर डिपेंड करेगी, बेस इस सबका कॉमन होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो एक्सिस होंगी जो कि परपेंडिकुलर होंगी आपस में, इधर हम कैटेगरी वगैरह ले लेंगे, इधर हम अपना फ्रीक्वेंसी ले लेंगे,
ठीक है, बाकी सब चीज सेम रहेगी। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, आप सेम है बिल्कुल डिटो जैसे आप बार ग्राफ बनाते थे, हमने क्लास इंटरवल को ऑब्जर्व किया। अगर देखिए यहाँ पर ये बात आ गई, अभी मैंने आपको क्या बताया कि हिस्टोग्राम में डाटा हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में डिसकॉन्टिन्यूस डाटा दे दिया, डिस्क्रीट डाटा दे दिया, असतत आंकड़े दे दिए और कहा जाए हिस्टोग्राम बनाइए, तो क्या आप असतत आंकड़ों का हिस्टोग्राम बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि हिस्टोग्राम में तो बीच में कोई गैप नहीं होता है और आपके आंकड़ों में ब्रेक हो गया, ब्रेक मिल गया तो कैसे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर आपको कॉन्टिन्यूस डाटा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जो है हिस्टोग्राम बना सकते हैं। लेकिन अगर डिसकॉन्टिन्यूस डाटा दिया गया है, अगर आपके डिस्क्रीट डाटा आपको दिया है, बीच में ब्रेक लगे हुए हैं, तो हम उस ब्रेक को खत्म करके उसको पहले कॉन्टिन्यूस डाटा में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, हिस्टोग्राम हमेशा कॉन्टिन्यूस डाटा का बनेगा। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ये सभी हमेशा कॉन्टिन्यूस डाटा के बनेंगे। अगर हम आपको डिस्क्रीट डाटा दिया जाए और कह दिया जाए कि इसका हिस्टोग्राम बनाइए, तब आप पहले डाटा को कॉन्टिन्यूस डाटा में चेंज करेंगे, उसके बाद ही उसको जो है हिस्टोग्राम बनाएंगे। ये आपके एक नंबर का क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव टाइप का, कि क्या डिस्क्रीट डाटा का हिस्टोग्राम बन सकता है? नहीं बन सकता है। हिस्टोग्राम हमेशा कॉन्टिन्यूस डाटा का बनेगा, क्योंकि अगर हमें डिस्क्रीट डाटा भी मिलता है उसको भी हम पहले कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं। अब कॉन्टिन्यूस के में कैसे चेंज करते हैं ये एक अलग मैटर हो गया, इसको हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर फिर वो मिक्सडअप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस तक अपने बनाना शुरू कर देते हैं। क्लास बाउंड्रीज करते हैं, एक्स एक्सिस बना ली, उसके बाद वर्टिकल रेक्टेंगल बना लिया आपने, फ्रीक्वेंसी जिस पर शो कर दी, ये आपके सामने डाटा दिया हुआ है। देखिए आपको एग्जाम्पल भी देखिए डिसकॉन्टिन्यूस का आ गया। सबसे पहला क्या होगा, आप स्टेप में ऑब्जर्व करेंगे डाटा कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। यहाँ पर आपने देखा बीच में ब्रेक लगे हुए हैं, 110 पर ख़त्म हो रही है लेकिन दूसरा इंटरवल 111 से शुरू हो रहा है, 110 से नहीं, तो यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस डाटा हो गया, ऐसा तथा आंकड़ा हो गया। आप इसको क्या करेंगे, इसका हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे, इसको पहले कॉन्टिन्यूस डाटा में चेंज कर लेंगे, यानी कि सतत आंकड़ों में परिवर्तित कर लेंगे और उसके बाद हम अपना हिस्टोग्राम बनाएंगे। कैसे करेंगे चेंज देखते हैं। अब चेंज करने के लिए सिंपल सा एक मेथड है, आप लोअर लिमिट में से, निम्न सीमा में से 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट से, हायर लिमिट से, उच्च सीमा से आप 0.5 प्लस कर देंगे। 0.5 माइनस और 0.5 प्लस, 0.5 माइनस, 0.5 प्लस, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 0.5 माइनस, 0.5 प्लस, 101 था तो 101 में से 0.5 माइनस किया, 100.5 आ गया, और 110 में 0.5 प्लस कर दिया, 110.5। सिमिलरली बाकी इंटरवल्स में भी कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं आपका डाटा कॉन्टिन्यूस बन गया, 110.5 पे ख़त्म हुआ और यहीं से दूसरा शुरू हो गया, तो डाटा कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया ना। क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, पहले वाली लिमिट में से आप 0.5 माइनस कर देंगे और बाद वाली में से 0.5 प्लस कर देंगे। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना है, लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे, अपर लिमिट में से प्लस करेंगे, निम्न सीमा में से घटा देंगे, उच्च सीमा से जोड़ देंगे उस सीमा में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, हमारा डाटा कॉन्टिन्यूस हो गया, अब हम इजीली जो है हिस्टोग्राम बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के लिए दो, इसको थोड़ा छोटा कर लेते ताकि सभी को दिख जाए। देखिए ये रहा, आपने एक्स एक्सिस बनाई, आपने वाई एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस पर हमारी से फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ये रही 15। आपको पता है 15 तक, 18 तक का है आपका, तो 2-2 का डिफरेंस ले लिया, 18 तक आपने फ्रीक्वेंसी लिख दी। ठीक है, यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है वो नीचे आपने मेंशन कर दिया, हाइट इन सेंटीमीटर लिखकर, 100.5, 110.5, 120.5, 130.5 जो भी था एक्सेट्रा। ठीक है, सारे के सारे आपने लिख दिए। अब आपने देखा होगा कि हमेशा यहाँ पर जीरो होता है बिंदु, जो आपका ओ पॉइंट होता है जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करती है, वो हमेशा ओ बिंदु होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब जीरो से 100.5 के बीच में कुछ भी नहीं बताया, जो हमारा डाटा हो रहा है वो 100.5 से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग में कुछ गैप छोड़ देंगे, क्योंकि इस बीच में जीरो से 100.5 के बीच का डाटा हमें नहीं पता है, डाटा में नहीं दिया गया। अगर यहाँ पे जीरो से 100 के बीच की क्लास इंटरवल होती तो आप यहीं से ही स्टार्ट कर देते अपना बार बनाना, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है तो क्या करेंगे, हम बीच की गैप छोड़ दिया कि इसमें कोई डाटा हमें नहीं दिया।
100.5 से 110.5 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15। हम 15 पर पहुंच गए। 15 क्या है, कहाँ है? 14 और 16 के सेंटर में है, तो यहाँ पर हमने खींची, तो ये हमारा पहला बार जो हो गया वो बन गया। ठीक, एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो हम हटा देंगे। देखिए आपका यहाँ पर, सॉरी, ये देखिए यहाँ पर आपका आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि 110.5 से 120.5 के बीच में 18 है, तो 18 पर पहुंच गए हमने, 18 तक की जो लेंथ करके बना दी। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, तो उसी तरह से आप जो है कंप्लीट आपने ये बना दिया, ये आपका हिस्टोग्राम रेडी हो गया। देखते हैं यूटिलिटी क्या क्या है, उपयोग क्या क्या है। ए हिस्टोग्राम फॉर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्ले द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिफरेंट क्लास इंटरवल्स। जो हिस्टोग्राम होता है वो आपकी अलग अलग क्लास इंटरवल्स की क्या फ्रिक्वेंसी है वो उसको शो करता है। उसको शो करने के लिए हम हिस्टोग्राम को बनाते हैं। इट बिकम ईजियर टू लोकेट द क्लास इंटरवल्स हैविंग द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी और लीस्ट फ्रिक्वेंसी। ये एक ईजी तरीका है जिसमें हम छोटी से छोटी फ्रिक्वेंसी को और छोटी से बड़ी फ्रिक्वेंसी को आसानी से दिखा सकते हैं। हिस्टोग्राम मोड अगर हमें निकालना होता है, आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी है, केंद्र प्रवृत्ति की मापे मोड यानी कि बहुलक, बहुलक को निकालने के लिए भी हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। जब हमें पूरे डाटा को एट अ ग्लांस, एक ग्लांस में देखना हो, एक नज़र में देखना हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं, हमने पॉइंट पढ़ा था कि हम अपने जब डाटा को एक नज़र में देखना चाहते हैं। अब जो भी व्यक्ति था, बंदा था, उसने एनालाइज किया था कि भाई इतनी सेंट में क्या किया था कि इस हाइट के बच्चे कितने हैं, इसके बीच में इस हाइट के बच्चे कितने हैं, इस हाइट के बच्चे कितने हैं। उन्होंने सब बच्चों का जो हाइट है वो मेज़र की, हर बच्चे की हाइट को लिखा, उसके बाद उनको क्लास इंटरवल में तोड़ दिया कि इतने से इतने बीच के जो हाइट वाले बच्चे हैं वो इतने हैं। अब उसको उन्होंने ग्राफ में शो कर दिया। अब ग्राफ में कोई भी कॉमन मैन, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो उससे रिलेटेड नहीं है, वो भी देखेगा, तुरंत बता देगा कि 100.5 से 110.5 के बीच के बच्चे कितने हैं, 15 है आपके। ठीक है, एकदम नजर देखते ही तुरंत वो चीजों को बता देगा, डाटा को। ये भी याद रखें, इस तरह का भी क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे, ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिर एग्जाम वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको ग्राफ पूरा प्रॉपर दे देते हैं बना के, और इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि 120.5 से 130.5 के इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं इस बीच में, आपके 12 स्टूडेंट है, 12 आपका आंसर हो गया। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बहुभुज हम इसको कहते हैं, आवर्ती बहुभुज या बारंबारता बहुभुज। अब इसमें क्या डिफरेंस है, सेम डिटो सब चीज़ आप क्लास इंटरवल वगैरह सब चीज़ रहेगी, इसमें भी कॉन्टीन्यूअस डाटा आपका रहेगा, जैसा आपने हिस्टोग्राम बनाया सेम चीज़ ऐसे बनाएंगे सब चीज़ें। डिफरेंस क्या रहेगा लोकेट करने का, दो तरीके होते हैं कि जब आप बार ग्राफ, आपने हिस्टोग्राम बना लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने हिस्टोग्राम बना लिया, अपना हिस्टोग्राम बनाने के बाद जो आपके ग्राफ होते हैं इनका मिड पॉइंट लेते हैं हमेशा, यहाँ पर इनका हमेशा मिड पॉइंट लेंगे, जो सेंटर का 20 से 30 का मिड पॉइंट क्या हो गया 25, 25 के सामने यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से सभी जो बार हैं उनके टॉप पर मिड पॉइंट ले लेंगे टॉप का, ठीक है, और उनके टॉप के मिड पॉइंट को स्केल की मदद से आपस में जॉइंट करा देंगे। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। लास्ट में क्या होगा, हम एक्स एक्सिस से भी जॉइन कराएंगे, क्योंकि पॉलीगन या बहुभुज होता है बंद आकृति होती है, इसलिए लास्ट में हमने मिला दिया। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया, यानी कि आवर्ती बहुभुज बन गया। क्या किया, सेम काम किया, हिस्टोग्राम बनाया, हिस्टोग्राम बनाने के बाद सभी बार के टॉप को जो है मिड पॉइंट को मेंशन कर दिया सभी बार के टॉप पर, और उन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करा दिया। लास्ट में हमने एक्स एक्सिस से जो है उसको ज्वाइन करा दिया। ठीक है, चलिए एक दूसरा तरीका यह है, अगर हम हिस्टोग्राम नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट लोकेट कर सकते हैं। हमने ये डाटा बनाया, 5 से 10 के बीच का जो सेंटर है वो कहाँ पाएगा, यहाँ पर आएगा 7.5। ठीक है, 7.5 की फ्रिक्वेंसी कितनी है आपकी, 1 है, तो 1 के सामने लिया, यहाँ पर आप डॉटेड डॉटेड लाइन करेंगे, बीच का जो सेंटर पॉइंट है उसको डिनोट कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट 10 से 15 के बीच की सेंटर की वैल्यू क्या है, इस ये है, इससे आप पॉइंट पॉइंट करके यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली इसकी फ्रीक्वेंसी से डॉटेड लाइन करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट यहाँ पर हमने देखे हैं जो टॉप पर वहाँ पर लगे हुए थे, और उसको आपस में ज्वाइन करा दिया। आपको जैसे ईजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। देखिए मेथड आप देख सकते हैं कि पहले हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम के सभी मिड वैल्यू को
पॉइंट आउट करते हैं, मार्क लगाते हैं और उन सभी पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट की मदद से या स्केल की मदद से उनको आपस में ज्वाइन करा लेते हैं, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। ठीक है, इसके यूजेस क्या होते हैं, व्हेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर ग्रुप हैव टू बी डिस्प्लेड इन वन डायग्राम, जब दो या दो से ज्यादा ग्रुप हमारे पास हो और उनके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने हो, यानी कि आपस में कंपैरिजन करनी हो। इस पॉइंट को हम समझते हैं थोड़ा सा, ये आपके सामने हिस्टोग्राम है, देखते कहाँ गया, ये रहा, ये हिस्टोग्राम है। अगर ये एक चीज का हिस्टोग्राम है, मान लीजिए दूसरा हिस्टोग्राम हो, क्या दोनों को आप एक ही ग्राफ में शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ठीक है, एक ग्राफ का बन गया, एक ग्रुप का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। वहीं पर दूसरा डाटा आपको दे दिया जाए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, तो उसका भी आप तुरंत इसी में ही जो है ज्वाइन कराकर दिखा सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं, सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ गया, एक पॉइंट यहाँ गया, एक पॉइंट यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, तो इस तरह से इनको ज्वाइन करा के दूसरा भी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, आप उसको एक ही ग्राफ में दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है आप मेंशन कर सकते हैं, दो तीन चार कितने भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मेंशन कर सकते हैं, उनमें आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपस में क्या कंपैरिजन है, तुलना कर सकते हैं। मतलब तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का यूज कब किया जाता है, जब दो या दो से ज्यादा ग्रुप का हम एक ही ग्राफ में शो करना हो। लिमिटेशन है कि सिर्फ कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए यूज किया जाता है, जैसे आपका हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, तीनों ही केवल और केवल कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद लास्ट में फ्रीक्वेंसी कर्व देखते हैं, सेम है डिट्टो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। डिफरेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आप मिड पॉइंट लेते थे और उनको स्केल की मदद से ज्वाइन करा लेते थे, यहाँ पर क्या होगा, आप मिड पॉइंट लेंगे और उनको फ्री हैंड, बिना स्केल की मदद से आप फ्री हैंडली एक शेप देते हुए उनको आपस में ज्वाइन कराएंगे। जैसे यहीं पर ही है, ये देखते हैं, ये मिड पॉइंट हो गया आपका इसका, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इनको स्केल की मदद से अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, बहुभुज बनाना है, तो वहाँ पर आप स्केल की मदद से करेंगे, और अगर आपको कर्व बनाना है, वक्र बनाना है, तो आप फ्री हैंडली ऐसे ही ज्वाइन करा देंगे, फ्री हैंडली आप ज्वाइन करा देंगे। जैसे आप इसमें दूसरा कर्व आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्री हैंडली आपने इसमें ज्वाइन कराया हुआ है, कोई स्केल की मदद तो नहीं, स्केल की मदद होती तो कैसा कुछ ऐसा बनता ही, अगर इस पॉलीगन बनाना होता तो कुछ ऐसा बनता ऐसे, कुछ इस तरह सा सीधा सा स्ट्रेट सा बनता है, इसको कर्व फॉर्म में हम बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी सेम रहेगा, इसका मेथड देख सकते हैं, हिस्टोग्राम बनाएंगे, उसके मिड पॉइंट को मार्क करेंगे और मिड पॉइंट को हाथ से फ्री हैंडली मिला देंगे। ये पॉइंट थर्ड पॉइंट डिफरेंस है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम स्केल का यूज करके ज्वाइन कराते हैं और इसमें फ्री हैंडली ज्वाइन कराते हैं। लाइन प्लॉट आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो यह था आपका तीनों के तीनों आपका हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम टॉपिक, लास्ट टॉपिक आपका पाई ग्राफ, सर्कल ग्राफ भी हम इसको कहते हैं, ये कैसे बनाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप कहें ना कि इन सभी ग्राफ में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पाई ग्राफ है, अगर क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस आपके पाई ग्राफ से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पाई ग्राफ होता है, सर्कल ग्राफ। सर्कल की फॉर्म में हम अपने ग्राफ को, अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल्सो नोन एज पाई चार्ट, दैट शो द रिलेशनशिप ऑफ द पार्ट ऑफ द होल। पूरे कंप्लीट के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनका रिलेशनशिप शो करने के लिए हम पाई ग्राफ का यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें हम इनको ए बी सी डी ले लेते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच करके पूरे के पूरे होल का आपस में क्या रिलेशन है, ए कितना ज़्यादा है, बी उससे कितना कम है, सी कितना है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाई ग्राफ का यूज़ करते हैं। पूरा 100% होता है टोटल, उनमें से अलग अलग परसेंटेज निकल जाता है। तो ये आपका पाई ग्राफ हो गया, अब इसको कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। वेरियस ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसमें जो सभी के सभी ऑब्जर्वेशंस होती है वो सर्कल के सेक्टर के रूप में डिवाइड कर दी जाती है, ठीक है, सर्कल के अलग अलग सेक्टर बना दिए जाते हैं, उनके उससे रिप्रेजेंट की जाती है कि किसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है। इसमें आपका जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का एंगल होता है। देखिए जैसे ये आपका जो सेंटर है ये आपका, ठीक है, और इस सेंटर का जो कंप्लीट एंगल है ये आपका 360 डिग्री का होता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट,
होल सर्कल रिप्रेजेंट द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट, जो कंप्लीट सर्कल है वो आपके सभी वैल्यूज का होल यानी कि सम दिखाएगा, मतलब आपकी जितनी फ्रीक्वेंसी है टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा आपका कंप्लीट सर्कल। अब क्या दिक्कत है अगर हम बनाने की बात करते हैं, अगर हम मान लीजिए हमें पाई ग्राफ बनाना है, एक रेडियस तो हम रैंडमली हम ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी एंगल से। रेडियस कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल के जो मिड पॉइंट होता है सेंटर होता है उसको किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करा देना है, चाहे हम यहाँ पे बनाए चाहे हम यहाँ पे बनाए वो हमारी मर्जी है, कहीं पर भी एक रेडियस बना लेते हैं। अब उस रेडियस के बनाने के बाद उस सेक्टर को करने के लिए हमें एंगल चाहिए होता है कि कितने एंगल पर वो बनाना है, एंगल हमें चाहिए होता है। एंगल को फाइंड आउट करने के हमारे दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन को करेंगे उससे आपका क्लियर हो जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों का कैसे यूज़ करेंगे हम आगे बताएंगे, इन फॉर्मूलों को आपको लर्न करना है। यूजेस देखते हैं पाईग्राफ के। पाईग्राफ इज यूजफुल व्हेन वन वांट टू पिक्चर पोर्शंस प्रपोर्शन ऑफ द टोटल इन अ स्ट्राइकिंग वे। जब हमें पाईग्राफ यूजफुल होता है जब हमें पूरे के पूरे पिक्चर्स जो है उसका प्रपोर्शन अलग अलग प्रपोर्शन को दिखाना होता है। When a population is stratified and each strata is to be represented as a percentage of that time, हमें population को करना है। अब उस समय में किस population की कितनी percentage है, जैसे girls कितनी percent है, girls की percentage कितनी है, boys की percentage कितनी है, या कहें तो ladies की कितनी है, बच्चों की कितनी है, बड़ों की कितनी है, वो percentage show करने के लिए भी हम circle graph का, pie graph का या pie chart का use करते हैं। Limitations क्या है, data in large no cannot be displayed in pie डायग्राम। अगर डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज है, इसमें देखिए कैटेगरी डिवाइड होती है ये आप जानते हैं, ठीक है, कैटेगरी में आपका सर्कल में कितनी कैटेगरी आप लिख सकते हैं, 5 से 10 कैटेगरी आप लिख सकते हैं आराम से, लेकिन ज़्यादा कैटेगरी अगर आपकी हुई तो आप उसको मेंशन नहीं कर पाएंगे। इट टेक्स टू मच टाइम टू कैलकुलेट एंगुलर वैल्यूज ऑफ डाटा, जो आपको सेंट्रल एंगल निकालना होता है उसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कैलकुलेशन लग जाती है, तो ये एक लिमिटेशन है, डिमेरिट्स है पाई चार्ट की। देखते हैं कैसे हम पाई चार्ट को बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी सर्कल बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग, कोई भी रेडियस ले लीजिए कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, ठीक है। ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल रेडियस, कोई भी एक रेडियस बना लीजिए, हॉरिजॉन्टल बनाइए वर्टिकल बना लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक रेडियस बनानी है कुल मिलाकर। स्टार्टिंग विद द हॉरिजॉन्टल रेडियस ड्रॉ रेडियस मेकिंग सेंट्रल एंगल, अब हम एक रेडियस से शुरू करते हैं और उससे सेंट्रल एंगल को बनाना शुरू कर देते हैं। इसका हम एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय अ चाइल्ड ऑन डिफरेंट इवेंट्स ऑन अ वर्किंग डे, एक वर्किंग डे में अलग अलग एक्टिविटीज़ में बच्चा कितना टाइम दे रहा है उसकी टेबल दी हुई है, कि बच्चा स्कूल में कितना टाइम दे रहा है, स्लीपिंग को कितना टाइम दे रहा है, प्लेइंग को कितना टाइम दे रहा है, स्टडी को कितना टाइम दे रहा है, टीवी को कितना टाइम दे रहा है और अदर्स को कितना टाइम दे रहा है, ठीक है। अब इसको हमें पाई चार्ट में बनाना है, पाई चार्ट में बनाते हैं। पाई चार्ट में बनाने के लिए सबसे पहले हमें एंगल निकालना होता है। एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉलम और बनाएंगे सेंट्रल एंगल निकालने के लिए, ठीक है। एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ऊपर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे डाटा है वो सिंपल वैल्यूज़ हैं, तो सिंपल वैल्यूज़ के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। अगर हमें जो वैल्यूज़ दी होती, जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है वो अगर परसेंटेज में दी हुई होती तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे आप फॉर्मूले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर इन्होंने सेंट्रल एंगल जो है मेजर कर लिए, पहले की आपकी फ्रीक्वेंसी है 6 डिवाइडेड बाय 24 क्या है यहाँ पर इनका सम है, टोटल अगर आप यहाँ पर करें तो इनका 24 टोटल आता है। देखिए यहाँ पर इन सब का जो सम है वो 24 है, ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 360 90 डिग्री आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी 8 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 360 120 आ गया। फॉर्मूले में रखा हमने सबके सेंट्रल एंगल को काउंट कर दिया। अब हम इन सेंट्रल एंगल को आराम से इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने एक रेडियस बनाई, रेडियस को बनाने के बाद पहला जो स्कूल की एक्टिविटी है उसका 90 डिग्री पर एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री पर एंगल बना दिया, ये आपका पोर्शन हो गया, किसके लिए, स्कूल के लिए पोर्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्लीपिंग का, इसमें आपको 120 डिग्री का बनाना है, 120 डिग्री का बनाना है, तो इसमें क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन लिए, इस पर चंदा रखा अपना और उससे 120 डिग्री का एंगल हमने बना दिया, ये हमारा हो गया स्लीपिंग का, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेइंग का, आपका 30 डिग्री का है, प्लेइंग का आपने अब ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ली,
हॉरिजॉन्टल के लाइन ली है सिंपल, और इस पर 30 डिग्री का एंगल बना दिया, ये हमारा पोर्शन बन गया किसका, प्लेन का। इसी तरह से बाकी के पोर्शन जो है तो वो बना दिए अलग अलग। साइड में हमने मेंशन कर दिया है कि किस कलर को हमने किस एक्टिविटी को किस कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं और चाहे इसी में ही लिख सकते हैं, अगर आपके इसमें डायग्राम में जगह है कि जैसे स्कूल, यहाँ पर स्लीपिंग, यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी, इनके नाम यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं, चाहे इस तरह से मेंशन कर लीजिए। तो ये था आपका पैराग्राफ, इजी था बहुत ही, इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपका जो परसेंटेज में अगर वैल्यू दी हुई होती है, ये नंबर ऑफ आवर, तो आप परसेंटेज वाला फॉर्मूला निकालते और अपने एंगल निकालते और काउंट कर लेते। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जितने भी मैंने अभी तक ग्राफ बनाए हैं, बताए हैं आपको, नीचे अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से कंप्लीट पूरे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सभी के सभी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी। इन सभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को लीजिए और उनसे सभी ग्राफ को एक बार तो एटलीस्ट कम से कम बना के देखिए, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सभी डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह से और वीडियोज को पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। उसके लिए आपको नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन आपको दिखेगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए।